नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंदित चक्रवर्ती। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव होने वाला है अगले साल के शुरू में, और फिर से वहां पर जैसे हर चुनाव के साल में होता है नफरत की राजनीति फिर से पनपने लगी है। धर्म में नफरत की राजनीति फिर से पनप लगी है। कहीं पर कोई बहुत चालाकी से कुछ कह जाता है जिससे सांप्रदायिकता भड़कती है, और कहीं पर खुलेआम नरसंहार की बात की जा रही है। ये फिर से शुरू हुआ है और यूपी के इलेक्शन तक तो चलता ही रहेगा। खैर, एक तो है नेता ऐसे करते हैं, वोट के लिए नेता ऐसे करते हैं, नया नहीं है, पिछले 50-60 सालों की बात है, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन किसी किसी राज्यों में ये बिसात बैठ गई है, एक तरीके की फर्टाइल ग्राउंड, उर्वरक जमीन हो गई है, जहाँ पर सांप्रदायिक जो नफरत है उसको फैलाना बहुत आसान हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम सिर्फ एक कारण का हिसाब लगाएंगे, और ये एक बड़ा कारण है, और वो है बेरोजगारी। आप पूछेंगे कि बेरोजगारी का इससे क्या लेना देना, लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, और वो है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन शहरों में वह आबादी लगभग 32-33% है, यानी कि हर 3 में से एक जो शहर में रहने वाला आदमी है वो मुस्लिम धर्म को मानता है, इस्लाम को मानता है। खैर, अगर हम देखें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, सिर्फ शहरों में नहीं, कई कई इलाकों में भी कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेशन है, तो लगभग 25% ऐसे शहर है यूपी में जो मुस्लिम बहुल है, जहाँ पे मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में है, ठीक है। और ये बढ़ा है, 1981 में ये लगभग 17% था, लेकिन ये बढ़कर 25% पे गया है 2011 तक। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने गांव छोड़कर वो शहरों में आ गए, क्योंकि शहरों में वो काम ढूंढने आए हैं, जो काम वो गांव में करते थे वो शहर में शिफ्ट हो गया है। तो गांव में तुलना में मुस्लिम आबादी घटी है और शहरों में बढ़ गई है, मुसलमानों के बीच की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। खैर, एक और चीज़ अगर कहा जाए तो तालुका लेवल पे, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग आधे ऐसे शहर हैं यूपी में जहाँ पर मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है। और अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है और उसकी बिसात बनी हुई है तो लोगों को समझाना बहुत आसान है, गैर मुस्लिम लोगों को समझाना बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। हाँ, ये लोग जल्दी हर जगह पर बहुल हो जाएंगे और फिर सोचना क्या होगा। खैर, अगर हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान रह सकते हैं, हिंदू बहुल देश में मुसलमान रह सकते हैं और उनको डरने की कोई बात नहीं है, तो फिर हिंदुओं को क्या डरने की बात है, वो खैर अलग बात है, वो अलग सवाल है, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। खैर, मैं फोकस कर रहा हूँ बेरोजगारी पर। अब आप देखिए कि क्या हुआ कि हमारे देश में सीधा इंडिपेंडेंस के बाद से मुसलमानों को नौकरियाँ, रेगुलर नौकरियाँ, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में, नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा उनका, सबसे कम उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये हर एक कमिटी, एक के बाद एक, लेटेस्ट जो सच्चर कमिटी है उन्होंने भी ये बताया है कि सबसे कम है, मिलता है मुसलमानों को, सरकारी हो या रेगुलर नौकरी, सबसे कम मिलती है। तो इसके चलते मुसलमान जो है शुरू से ही स्वरोजगार के तरफ बढ़े हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपको मुसलमानों का एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा, चाहे वो आप टेलर देख ले, चाहे वो आप गाड़ी के ड्राइवर, कैब ड्राइवर देख ले, कहीं पे आप डिलीवरी के लोग देख लें, आप हाउस पेंटर देख ले, जो नक्काशी करते हैं वो देख ले, जो जो मेटल का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं वो देख ले, वहाँ पे आबादी के तुलना में ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि वो स्वरोजगार की तरफ मुड़े हैं। गाड़ी के ऑटो मैकेनिक बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो ये स्वरोजगार की तरफ, उनके पास को और कोई चारा नहीं था। जबकि जो सबसे ज़्यादा अपर कास्ट और इंटरमीडिएट कास्ट जो हिंदू है, उनको लगातार सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं हमारे देश में। अगर हम पूरे देश का लेटेस्ट डेटा ले लें, ठीक है, PLFS जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 का डेटा ले ले, तो हिंदुओं में, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो शहरों में 50% से ज़्यादा
जो लोग जिनके पास काम है उनको या तो रेगुलर वेतन मिलता है या उनके उनको रेगुलर मजदूरी मिलती है, सैलरी या वेज रेगुलर 50% से ज़्यादा। वही नंबर हम अगर मुसलमानों का देखेंगे तो वो 37% से कम है। उधर अगर हम स्वरोज़गार का देखेंगे तो हिंदुओं में जिनके पास काम है लगभग 36% लोग स्वरोज़गार करते हैं, लेकिन मुसलमानों में 45% स्वरोज़गार में है। यानी मुसलमानों में शुरू से ही स्वरोज़गार ज़्यादा है। और इसका महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पिछले एक दशक से रेगुलर नौकरियां चाहे वो सरकार में हो चाहे वो कॉरपोरेट में घटी है। उसके दो कारण हैं। एक है कि हमारे देश में एक मंदी चल रही है जिससे हम निकल नहीं पाए, 10 साल से चल रही है, 2011-12 से चल रही है, उससे हम निकल नहीं पाए हैं। और दूसरी है सरकारी नीतियां, जिससे जहां पर सरकारी वैकेंसी भी है उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है, वो उसको भी भरा नहीं जा रहा है। तो लोगों के पास जो जो नौकरी रेगुलर नौकरी रेगुलर जॉब जिसको कहते हैं उसके अवसर बहुत कम हो गए। और एक के बाद एक सरकार लगातार युवाओं को ज़्यादातर कहती रही है कि आप लोग स्वरोज़गार करिए, बिजनेस खोलिए, एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। खैर हम जानते वो नहीं हुआ है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल है युवाओं में बेरोज़गारी। अगर मैं लेटेस्ट यूपी की डेटा देख लूँ जो CMI का डेटा है, तो मई से अगस्त 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के शहरों में लगभग 11.5 लाख 20 से 29 साल के बीच के युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी करना चाहते लेकिन रोजगार नहीं है। 11.5 लाख यानी 3 में से 1 के पास जो युवा हैं काम नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, कहीं पे उन्होंने छोड़ भी दिया है लेकिन करना चाहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं। तो आप समझ सकते बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश के शहरों में कैसा है। और अब आप सोचिए कि उनको कहा जा रहा है कि आप के पास हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आप स्वरोजगार कीजिए। तो अपर कास्ट और इंटरमीडिएट कास्ट के जो हिंदू हैं वो जब पढ़ाई करके नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कोई स्वरोजगार करे, तो उनको दिखता है भाई स्वरोजगार तो ये मुसलमानों के पास ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है, इनके पास तो ज़्यादा है। और आप याद रखिए कि आबादी भी काफ़ी आसपास है शहरों में, है ना, तो उनके लगता है अरे इनका तो हाल ठीक है हमारा नहीं है। वो ये नहीं सोचते क्यों हैं, वो ये नहीं सोचते कि साथ में मिलके सब नौकरी के लिए लड़ेंगे, रोज़गार के लिए लड़ेंगे। उनको लगता है कि हमारी नौकरी इन्होंने छीन ली है। और ये अपने आप नहीं लगता है, क्योंकि हम पूरे चाहे आप पॉलिटिक्स में देखें, चाहे आप मीडिया में देखें, चाहे आप व्हाट्सएप पे देखें, हर रोज़ ऐसी बातें आती रहती है कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, उन्होंने आपका रोज़गार छीन लिया है। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन था किस तरीके से बहुत सारे हमारे देश में शहरों में जो मुसलमान लोगों को रोका जा रहा था सब्ज़ी बेचने के, चाय बेचने रोका जा रहा था, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये बताने के लिए कि देखिए हिंदुओं के पास ये नौकरी होनी चाहिए, मुसलमानों के पास, मुसलमानों ने छीन लिया। ये सिर्फ झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये एक तरह की राजनीति है। और इसकी बिसात यूपी में बेरोजगारी के चलते आराम बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। इसलिए यूपी में युवाओं में ये धर्म की नफरत की राजनीति फैलाना बहुत आसान है। और इसको अगर इसके खिलाफ अगर लड़ना होगा तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आज का एपिसोड यहीं तक। आप न्यूज़ क्लिक देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए।